अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10th। आई एम योर मैथ्स टीचर सर वली। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कॉपी वर्क कैसे करना है। याद रखिएगा मैथ्स में सिलेबस देखें, आप 10 ईयर से पढ़ते हैं, इसमें सिलेबस की इस वजह से ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आप 10 ईयर पूरा ओवरऑल उससे पढ़ते हो, ठीक है। देन स्कूल के अंदर जो है वो आप पूरी बुक कम्प्लीटली आपको बुक पढ़ाई जाती है, तो सिलेबस सेलेक्टिव तो नहीं होता, आपको पूरी बुक पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह पूरी बुक ही हम पढ़ेंगे। और यहाँ देखिएगा आपने कॉपी वर्क किस तरीके से करना है, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, आपने इंडेक्स मेंटेन करना है, आपने इंडेक्स अपने इस तरीके से 4 पेजेस पे बनाना है और काम यहाँ से स्टार्ट था, देख रहे हैं सेट्स। और लास्ट टाइम आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज लेक्चर में बताई थी यूनियन और इंटरसेक्शन, बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है। देख लें सेट्स लिखा हुआ, यूनिट 1 आपके सामने मौजूद है, ठीक। सेट्स लिखा हुआ, यूनिट 1 मौजूद है, प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें कितनी सफाई से काम है। सेट देखें कैसे लिखा हुआ, इफ़ ए, इफ़ कैपिटल ए इक्वल टू, मतलब ए सेट बराबर है कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ए और बी के एलिमेंट्स ए बी हैं, फिर इनको इन्होंने यूनियन करवाया, ठीक। फिर इनको इंटरसेक्शन भी करवाएंगे, देखें राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लिए तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है तो टेकिंग राइट हैंड साइड, कितना प्रॉपर काम हुआ है। बिल्कुल आपने भी इस तरीके से अपनी कॉपी के अंदर इतने ही प्रॉपर नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा काम करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज देख लीजिएगा आपके सामने, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी इंटरसेक्शन की, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें इसमें भी कैसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ किया हुआ है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की, ठीक है। सेट्स देखें कैसे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने, बिल्कुल वही मेथड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने यूज़ किया हुआ है इन्होंने। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देख लें, ठीक। इस तरीके से आपने बिल्कुल काम करना है सफाई सुथराई के साथ। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारा आपके बुक में कॉपी वर्क मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये सब समझा चुका हूँ मैं आपको, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से नीट एंड क्लीन आपने काम करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ये देखें, ये तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ, वो भी इस वजह से क्योंकि देखें मैथ्स और टोटल प्रैक्टिस का काम है, बुक में सब कुछ मौजूद है, आप वहाँ से करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि आपने कॉपी वर्क किस तरीके से करना है, ठीक है जी। यहाँ तक जो है वो हमारी तमाम प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।